मैं दो चार बातें ऐसी बताना चाहता हूँ जो आपकी जिंदगी के बहुत काम की हैं, आयुर्वेद से बाहर की हैं, इसलिए अब तक मैंने बताई है। मैं एक जानकारी ये लेना चाहता हूँ, शायद आपने सुनी भी होगी कि दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं सब में थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं कोई कमी है या उनकी सीमाएं खुली हैं। पूरी टोटेलिटी में पूरी कंप्लीट सब आइडियल ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति अभी रह नहीं पाई। शायद आज से 3000 साल पहले आयुर्वेद रहा होगा, लेकिन आयुर्वेद की भी आज की सीमा में आज के हिसाब से कुछ लिमिटेशन आ गई। जैसे मैंने कहा स्वर्ण भस्म आयुर्वेद की दवा हर एक के बस का नहीं है, तो वहां पे लिमिटेशन है। किसी से कहूँ मोती मिश्री ले लो तो सबके बस की नहीं है, महंगी चीजें हैं। तो बहुत सारी महंगी चीजें जो दवाएं के रूप में दवाओं के रूप में वो मैं बताता नहीं, मैं मानता हूँ वो आयुर्वेद की आज के हिसाब से सीमा है। उस दृष्टि से उनसे भी बेहतर विकल्प मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया, अब मैं आयुर्वेद में उसका इलाज करूंगा तो समय बहुत लगेगा, ऐसा मान लो कि कम से कम 15 दिन से 21 दिन तक का समय लग जाएगा, और जितनी दवाएं उसको खिलानी पड़ेगी उसमें खर्चा और उसका बजट बहुत बढ़ जाएगा। और इसी इलाज को आप अगर एलोपैथी में कराएंगे तो वो इंजेक्शन जो लगाएंगे वो इतने तकलीफ देने वाले हैं कि बेचारा कुत्ते के काटे के दर्द से इतना तकलीफ नहीं पाता जितना वो इंजेक्शन के दर्द से पाता, और महंगा इतना है कि गरीब आदमी के बस का नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए सांप ने काट लिया किसी को, अब सांप ने काट लिया तो फिर कोई समस्या है नहीं, अगर आयुर्वेद में आपका इलाज करूंगा तो समय भी जाता है, और ये सब सेंसिटिव केस है, इनमें ज्यादा समय का बीतना पेशेंट के लिए हर दिन मौत के नजदीक जाना है। तो मैं ऐसे केसेस जिनको मैं मानता हूँ कि बहुत संवेदनशील है, मैं खुद उनको आयुर्वेद का ट्रीटमेंट नहीं देता कभी भी, उनके लिए मैं होम्योपैथी में काम करता हूँ। और होम्योपैथी के बारे में मैं ये कहूँ कि उसमें रिजल्ट इस तरह के केसेस के बहुत फास्ट है, शायद 3 दवाई देनी पड़ती है, माने 3 खुराक देनी पड़ती है, उतने में सब ठीक हो जाए, और वो एक दिन का ही खेल है। एक दिन ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में कितना भी जहरीला सांप काटे, कितने भी खराब कुत्ते ने आपको काटा हो, बिच्छू ने डंक मार दिया आपको, कितना भी खराब बिच्छू रहे और उसका डंक आपको लग गया, ये सब एक दिन में ही होम्योपैथी आपको ठीक कर देती है, बिना इंजेक्शन लगाए, बिना कोई काढ़ा पिए, बिना ज्यादा आपको कोई तकलीफ दिए हो। तो वो भी मैं आपको जोड़ देता हूँ इसमें, तो आप लिख लीजिए। कभी भी किसी को कुत्ते ने काट दिया, जो आजकल बहुत सामान्य बात हो गई, वो कुत्ता पागल रहे या पागल ना रहे, वो घरेलू हो घरेलू ना रहे, मन में तो डर बैठता है। हालांकि ऐसा है कि जो कुत्ता घर में रहता है उसके काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि वो वही खाता है जो आप खाते हैं, आपसे अलग वो कुछ नहीं खाता है, तो आपके शरीर में उसके रोगाणुओं से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज हैं, जो कि आप हमेशा उसके नजदीक रहते हैं, वो आपको चाटता भी रहता है, तो ये तो सब सामान्य है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में डर इतना होता है, फिर कुत्ते ने काट लिया तो जाएंगे जरूर डॉक्टर के पास, और फिर वो लगवाएगा 24 इंजेक्शन या 14 इंजेक्शन, और वो सब हजारों रुपए का खेल। आपको मैं एक सीधी सरल और बहुत प्रभावी दवा का नाम लिखा देता हूँ, आप उसको लिख लीजिए, हमेशा इसको घर में रखिए। 5 रुपए की दवा आती है और 100 आदमी उसमें ठीक हो जाते हैं, इससे सस्ता कोई इलाज नहीं है। दवा का नाम है हाइड्रोफोबिना, मैं स्पेलिंग बोलता हूँ HYDRO, फिर उसके बाद PHOBI, ये भी वाला भी BIMUM, हाइड्रोफोबिनम, ये दवा है HYDRO PHOBI, हाइड्रोफोबिनम। इस दवा के नाम के आगे 200 नंबर लिख लो, 200, ये 200 इसकी पोटेंसी है, ये दवा है हाइड्रोफोबिनम, नहीं होम्योपैथी की दवा है, हाइड्रोफोबिनम 200 पूरा नाम इस दवा का है, हाइड्रोफोबिनम 200 कहाँ मिलेगी, किसी भी होम्योपैथी की दुकान पर मिलेगी, किसी भी होम्योपैथी की दुकान पर मिलेगी। कितनी लेनी है, 5 मिलीलीटर ले लेना, सबसे कम इतनी ही देते हैं वो, 5 मिलीलीटर ले लेना और शीशी में भर के रखना, इस शीशी को कभी भी
फ्रिज में नहीं रखना और धूप में नहीं रखना। घर में ऐसे स्थान में रखना जहाँ धूप नहीं आती, सूरज का प्रकाश नहीं आता और फ्रिज भी ना हो इसके नजदीक, थोड़ा दूरी पर रखना। ये दवा है। अब जिसको भी कुत्ते ने काट लिया, ये दवा लेना लिक्विड फॉर्म में। होम्योपैथी की दवाएं दो तरह से मिलती है, तो वो गोलियों में डाल के देते हैं तो उससे कहना वो नहीं चाहिए हमें, सीधे दे दो। उसको कहते हैं डाइल्यूशन, लिक्विड फॉर्म को कहते हैं डाइल्यूशन। तो हाइड्रोफोबियम लेना है 200 पोटेंसी में, 200 बस। अब इस दवा की एक एक बूंद जीभ पर डालनी है जिसको कुत्ते ने काटा, एक बूंद जीभ पर सवेरे डाल दो। और आप देख रहे हैं कुत्ते ने काटा है, बहुत तेज बूंद बूंद निकल रहा है और वो बेचारा परेशान है, तो इस दवा को आधा आधा घंटे में 3 बार जीभ पर डालना, एक बूंद फिर आधा घंटे बाद, एक बूंद फिर आधा घंटे बाद, एक बूंद बस। उसके बाद आप भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। उस आदमी की जिंदगी में कभी भी कोई संभावना नहीं है कि रेबीज हो जाए। कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसका नाम है रेबीज, कभी नहीं होगी, हो नहीं सकती। एक बूंद आधा घंटे बाद, एक बूंद आधा घंटे बाद, बस भूल जाइए। उसके बाद 3 बूंद डाली है, जीभ पर डाली है। ठीक है, अच्छा। अब इसमें नियम बस इतना ही है कि जितना जल्दी डालेंगे उतना अच्छा। अभी काटा, अभी डालिए तो बहुत जल्दी ठीक हो, लेकिन अगर देर में डालेंगे तो भी दवा तो डालनी ही है। आपको पता चला किसी को कुत्ते ने काटा, उसको 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, दवा तो देनी ही है, लेकिन जितनी जल्दी मिलेगी उतना अच्छा, ठीक हो उतनी ही जल्दी होगा। अभी काटा, अभी दे दो, शाम तक ठीक हो, घाव पूरा भर जाएगा, 1 दिन ही लगता है। और देर में डालेंगे तो कैसे डालनी है ये दवा, देर हो गई, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, तो फिर आधा आधा घंटे मत करना, सुबह 1 बूंद देना, दोपहर को 1 बूंद और शाम को 1 बूंद ही देनी है उसको। नहीं कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना खाना पीना ठीक करेगा। तो ज्यादा पुराना हो गया तो सुबह 1 बूंद देगा, दोपहर को और 1 शाम को। ये सुबह दोपहर शाम में खाना पीना कर पाएंगे, वो आधा आधा घंटे में खाना पीना नहीं होगा। आधा आधा घंटे में इसलिए दी जा रही है कि आपको खाने पीने से रोका जाए। तो 1 बूंद सुबह दे दिए, दोपहर 1 शाम, बस कहानी खत्म हो गई। कितना भी पुराना हो, 15 दिन पुराना, 20 दिन, उतनी 3 खुराक में वो भी ठीक होगा। ये तो हो गया कुत्ते का। बिल्ली काटे तो भी यही काम आएगी, बिल्ली काटे, बिल्ली ने काट लिया तो भी यही काम आएगी। अब बस इतना ध्यान रखना कि बच्चे अगर हैं, बच्चे, बच्चों को कुत्ते ने काटा या बच्चों को बिल्ली ने काटा, तो इस दवा की 1 बूंद ही काफी है बच्चों के लिए। उनको 3 नहीं देनी, उनको 1 ही देनी है, लेकिन कैसे देनी है, 1 बूंद इस दवा की 1/4 का पानी में डाल देना, पानी लेना 1/4 का, उसमें ये दवा की 1 बूंद डाल देना, फिर वही पानी में से 2-2 चम्मच पानी उस बच्चे को पिलाना, 3 बार पिलाना। उसको भी चाहे तो आधा आधा घंटे से दे सकते हैं, तत्काल काटा है तो, और देर हो गई है काटे हुए तो सुबह 2 चम्मच पानी, दोपहर को 2, फिर शाम को। बच्चों के लिए सिर्फ 1 बूंद है इस दवा की काफी है, और उनको जीभ पे नहीं देना है, पानी में डाल के देना है। जीभ पे क्यों नहीं देना, ये तीखी होती है, बहुत तीखी है, क्योंकि तो इसमें थोड़ा एल्कोहल होता है, तो बच्चे जो है ना थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, इसलिए उनको पानी में डाल के देना। कितने भी साल का, 1 दिन का हो, उसको भी काट लिया कुत्ते ने या बिल्ली ने, तो आप दे सकते, ठीक है। और ये दवा उस समय भी काम आती है, हालांकि ये केसेस बहुत कम होते हैं, चूहे ने काट दिया, चूहा हालांकि काटता वाटता नहीं है लेकिन फिर भी उतर जाता है अंगूठे में, उंगली में, तो उस समय भी आप इसको काम में ले सकते हैं। अब थोड़ा आगे चले, सांप ने काट लिया जी, काम
वैसे चूहे के पेशाब को पीने में आ जाए तो मरेंगे तो नहीं, मृत्यु तो नहीं होगी, हाँ थोड़े एब्नॉर्मेलिटीज आएंगे तो आप उस समय भी दे सकते हैं। सांप ने काट लिया, अब सांप का काटा हुआ थोड़ा सेंसिटिव मामला होता है, कुत्ते से भी ज्यादा, बिल्ली से भी ज्यादा, क्योंकि सांप में थोड़ा जहर है और आपको मार सकता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि भारत में 550 जाति के सांप हैं, उनमें से जहर वाले सिर्फ 7 या 8 ही हैं, बाकी सांपों में जहर नहीं। लेकिन मन में डर ऐसा बैठा हुआ है कि कोई भी सांप काट ले तो धड़कन बढ़ जाती है कि पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। 550 जाति के सांप हैं, उनमें से सिर्फ 7 या 8 ही जहर है, माने वो 7 या 8 में से कोई सांप काटेगा तभी मरेंगे, बाकी के काटने से कुछ होने वाला नहीं। लेकिन चूंकि मन में डर है, ये एक समस्या है, तो साइकोलॉजिकली ज्यादा इसमें तकलीफ, मेंटली ज्यादा प्रॉब्लम। तो आप बाहरी के डॉक्टर के पास एंटीवेनम इंजेक्शन देगा, लेकिन आजकल ये इंजेक्शन उपलब्ध भी नहीं है, और है तो एक एक डॉक्टर एक एक इंजेक्शन का 20,000-25,000 जो उसके दिल में आए वो चार्ज से करेगा, और उस समय आपको पड़ी है आदमी को बचाने की, इसलिए आप रुपए नहीं गिनेंगे, आप तो कहेंगे भाई तू बचा इसको लाख रुपए ले। ऐसी स्थिति में आप कभी घबराइए मत, कभी डरिए मत, सांप के काटने का जो जहर है वो शरीर में एकदम आदमी को नहीं मार देगा। वैसे तो एक जानकारी दे दूं कि सांप का जो जहर है वो प्रोटीन है, एक खास तरह का प्रोटीन है, और वो प्रोटीन डाइजेस्टेबल नहीं है, इसलिए आदमी मर जाता है। अगर वो डाइजेस्टेबल हो तो बिल्कुल मरने की संभावना है। और सांप का जहर उसके दो दांतों में रहता है, 7-8 जाति के सांप में, उनमें सबसे ज्यादा जो जहर है उसका नाम है रसल स्वाइपर। एक सांप होता है रसल स्वाइपर, वो कैसा होता है, उसको चलते समय आप पहचान सकते हैं, वो हमेशा 8 की शक्ल में चलता है, ऐसे चलता है, 8 का मुंह बनाते हैं अंग्रेजी में, ऐसे चले, हर बार उसकी एक माने आगे का हिस्सा पीछे के हिस्से से जरूर खड़खड़ खड़खड़ घिसता रहता है, और बहुत तेज आवाज आती है उसकी चलने में, वो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा आवाज करते चलते, सावधान रहो, दूर रहो उससे, बहुत तेज साउंड आती है उसकी, शरीर घिसता है उसका। हाँ, रसल स्वाइपर है, ये बहुत होता है, तमिलनाडु में बहुत है, कर्नाटक में भी है, आंध्र में भी है, रसल स्वाइपर बहुत है, ये काट ले तो सबसे जल्दी मृत्यु होने की संभावना है, जहर इसका बहुत पीता है। वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके बताया कि 3 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहने देता इसका जहर आदमी, 3 घंटा ही है आपके पास। तो ऐसे सांप के बारे में ध्यान रखें, जो सांप ऐसे ऐसे चल रहा हो 8 का अंक बनाते हुए, समझ लो रसल स्वाइपर, और इसका फन पर नहीं होता, मुंह बहुत पतला है, ऐसे ही काटता है, हल्के से टच कर दिया तुरंत जहर गए। तो ऐसे सांप को कैसे कंट्रोल करेंगे, जहर उसका है तो इसकी दवा है, और मैं 2-4 और नाम बता दूं, रसल स्वाइपर है, तिले के कलर, ये काटता है तो भी आदमी के बचने की संभावना है। फिर एक है कोबरा, कोबरा 3rd पोजीशन पर है, जहरीले सांपों में 3rd नंबर है कोबरा। एक किंग कोबरा होता है, एक सामान्य कोबरा होता है, ऐसे कुछ 7-8 जाति के सांप हैं, बस आप इतना याद रखिए कि जहरीला सांप काटा। अब जहरीला सांप काटा तो सिम्टम क्या होगा, जो जहरीला नहीं है उसका सिम्टम क्या होगा, जहरीला है तो क्या होगा, ये ध्यान। जहरीला सांप काटेगा तो जहां काटेगा वहां सूजन बहुत आएगी, स्वेलिंग, इमीडिएट सूजन है, और आप उस सूजन से अंदाजा लगा लेंगे कि कहां काटा है, शरीर के जिस अंग में ज्यादा सूजन है बस जान को यही कहीं काटा है। अब ध्यान से देखोगे तो उसमें 2 छेद नजर आएंगे आपको, सुई चुभने के जो छेद होते हैं ना, ऐसे छेद नजर आएंगे आपको सांप के काटने में, क्योंकि दोनों नाक दांत उसके जो है ना सुई के जैसे होते हैं, अंदर गया और निकाल गया, इतने नियंत्रण वो काम करते हैं। तो आप सूजन वाला इलाका ढूंढिए, अगर सूजन बहुत है तो समझ लो जहरीले सांप ने काटा, फिर आपको 2 दांत मिल जाएंगे। अब इन दोनों दांतों पे ध्यान रखना है, क्या करें इसके लिए, तो एक तो आप चाहें तो फर्स्ट एड कर सकते हैं। फर्स्ट एड कैसे कर सकते हैं, इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन डॉक्टर वाला इंजेक्शन जो फोकते हैं आपको, इंजेक्शन लगाते उस इंजेक्शन की सिरिंज जहां तक जाती है उतना हिस्सा ब्लेड से काट दो,
इंजेक्शन की सीरीज जहां तक जाती है उतना हिस्सा ब्लेड से काट दो, तो वो एक सक्शन पाइप जैसा हो गया। सक्शन पाइप समझते हिंदी की लेकर खींचने वाला पंप। तो जहां जहां आपको दोनों दांतों के निशान दिखाई दे रहे हैं वहां पे उसको रखो इंजेक्शन को कटा हुआ हिस्सा और पीछे से खींच दो, तो सारा जहर उसमें भर जाएगा इंजेक्शन। मेरे पास है इंजेक्शन, आपने सिरिंज वाला आगे से कट कर दिया जहां पे निडल लगाते हैं, तो उसका जो होल है उसको जहां छेद है वहां पे रख के खींचना है पीछे से, सक्शन पाइप की तरह से उसको यूज करना है। तो जैसे आप खींचना शुरू करेंगे तो वैक्यूम बन जाएगा। आप जानते हैं बच्चे लोग पिचकारी का इस्तेमाल करते हैं, जब होली आती है तो एक पिचकारी आती है ना, खींचते हैं फिर उसको पंप करते हैं, वैसे ही कुछ इंजेक्शन को यूज करना है इसमें। इंजेक्शन के आगे जहां निडिल लगती है उसको ब्लेड से कट करना है, तो वहां पर एक होल बड़ा हो गया, उस होल को एग्जैक्टली जहां पे सांप ने काटा है जो पॉइंट आपको दिख गया, मैंने कहा ना सूजन आएगी लाल पड़ जाएगा, वहां पे दोनों पॉइंट उसके दिखाई देंगे दांत के दो निशान, वहां पर आपको जो इंजेक्शन का होल है उसको रखना है ऐसे करके, और पीछे जो उसका सक्शन की तरह से काम खींचना है उसको। जैसे ही आप खींचना शुरू करेंगे तो पूरा इंजेक्शन जो है ना सिरिंज वो चिपक जाएगा, चिपक गया तो इसका माने वैक्यूम क्रिएट हो गया, फिर आसानी से जब आप खींचेंगे तो सारा ब्लड उसमें भर जाएगा और ब्लड के साथ सारा पॉइजन भी उसमें निकल आएगा। आप एक बार खींचेंगे कुछ ब्लड निकलेगा, फिर वहां पे दूसरा वाला निशान है वहां रख के एक बार खींचेंगे फिर कुछ ब्लड निकलेगा, जब तक ब्लड निकलता रहे आप उसको खींचते रहिए, और जब ब्लड आप निकालेंगे फर्स्ट टाइम में तो आप देखेंगे वो थोड़ा ब्लैकिश होगा, ब्लड उसका रंग डार्क होगा ब्लैकिश होगा, तो समझ लीजिए इसमें पॉइजन मिक्स हो चुका है। तो जब तक वो ब्लैकिश और डार्क रेड कलर का ब्लड निकलता है दो तीन बार में आप खींच लीजिए, उतने में ही सारा पॉइजन निकल जाता है, क्योंकि सांप जो पॉइजन छोड़ता है ब्लड में वो कुछ ज्यादा नहीं होता है, 0.5 मिलीग्राम के आसपास होता है, इससे ज्यादा नहीं होता क्योंकि उसके दांत में इससे ज्यादा रह ही नहीं सकता, तो 0.5 2.6 मिलीग्राम है, दो तीन बार आपने ब्लड खींच लिया उसमें निकल गया। जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो पेशेंट में आपको चेंजेस दिखाई दे जाएंगे, उसमें चेतना आ जाएगी, कॉन्शियसनेस आ जाएगी। सांप जब काट लेता है और उसके ब्लड में जहर आ जाता है तो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है या सेमी कॉन्शियस होता है, जैसे ही आप खींचना शुरू करेंगे उसके ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को, उसमें कॉन्शियसनेस आ जाएगी। कॉन्शियसनेस आ गई तो समझ लीजिए अब वो मरेगा नहीं, तो ये उसके लिए फर्स्ट एड का आप काम कर सकते हैं। इसी इंजेक्शन को जो मैंने आपसे कहां से कट करना है, जहां आप सिरिंज का निडल लगाते हैं, जहां सुई लगाते हैं, इसी इंजेक्शन को बीच से कट कर दीजिए, एग्जैक्टली बीच से, 50% इधर 50% इधर, बीच में कट कर दीजिए तो पाइप और बड़ा हो जाएगा, उसका होल जो है ना और बड़ा होगा, और उसको रख के भी खींचेंगे तो एक बार में ही सारा ब्लड खींच लेगा। बड़ा इंजेक्शन लेंगे, बड़ी सिरिंज होगी तो जल्दी काम होगा आपका, तो बड़ी सिरिंज लेकर आप इसको कर लीजिए। आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई फर्स्ट एड नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन पुराना धुराना कहीं इंजेक्शन पड़ा हुआ मिल जाए उसी के यूज से आप ये शुरू कर सकते हैं, ये फर्स्ट एड की बात है। दूसरा, एक मेडिसिन आप चाहे तो हमेशा घर में रखिए, बहुत सस्ती है, होम्योपैथी में आती है एक मेडिसिन, उसका नाम है नाजा, NAJA, नाजा होम्योपैथिक मेडिसिन है, किसी भी होम्योपैथी शॉप में मिलेगी, NAJA नाजा, और इसकी पोटेंसी है 200, नाजा उसके आगे लिखिए 200। ये मेडिसिन 5 मिलीलीटर खरीद के रखिए घर पर, 5 मिलीलीटर सफिशिएंट है, 100 लोगों की जान इससे बच जाएगी, और इसकी कॉस्ट सिर्फ 5 ही रुपए है, 5 रुपए में ही आती है,
पटियाला में शायद थोड़े महंगे देते हैं, क्योंकि कल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कल एक होम्योपैथी शॉप में गया था तो वो 10 रुपए मांगता है, तो ठीक है 10 रुपए। अदरवाइज ये मेडिसिन अगर आप दिल्ली से कहीं से, जलंधर से कहीं से खरीदेंगे तो 5 ml 5 रुपीज में ही आता है। इसकी एक बॉटल भी आती है 100 ml की, वो 60 या 70 रुपए में आती है, और 100 ml की बोतल से कम 10,000 लोगों की जान आप बचा सकते हैं जिनको सांप ने काटा। और ये जो मेडिसिन है नाजा, ये दुनिया के सबसे खराब सांप का ही पॉइजन है, जिसको मैंने बोला करेंट। करेंट का पॉइजन सबसे खराब माना जाता है दुनिया में। करेंट के बारे में कहा जाता है कि अगर उसने काट लिया है तो फिर भगवान ही बचा सकता है, मेडिसिन भी जल्दी काम नहीं आती। उसी का ये पॉइजन है, लेकिन डाइल्यूशन में है, डाइल्यूट फॉर्म में है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। पर आप आयुर्वेद का एक सिद्धांत जानते हैं, लोहा लोहे को काटता है, जब जहर चला जाता है शरीर में तो दूसरे जहर की मदद से ही वो बाहर आता है। तो आप इसको यूज करिए, नाजा 200 पोटेंशियल लिक्विड फॉर्म में लीजिए, डाइल्यूशन में लीजिए। अब ये देनी कितनी है, एक एक ड्रॉप उसके जीभ पे डालना है, पेशेंट के जीभ पे एक बार डाल दीजिए, 10 मिनट बाद फिर और एक बार डाल दीजिए, और 10 मिनट बाद एक बार डाल दीजिए, बस 3 बार डाल के छोड़ दीजिए, ये पेशेंट की जिंदगी को हमेशा के लिए बचा लेगी। और मैंने आपसे कहा कि एलोपैथी में जो एंटी वेनम इंजेक्शन है वो अवेलेबल नहीं होते। आप अगर पटियाला का कोई सरकारी अस्पताल हो वहां जाके पूछे तो कहेगा नहीं अवेलेबल है, वो कहेगा चंडीगढ़ जाओ या कहेगा पीजीआई लेके जाओ। अब चंडीगढ़ आप लेके जा रहे हैं, पीजीआई लेके जा रहे हैं, वहां भी इंजेक्शन मिलेगा तो 10-15 हजार से लेके 20 हजार के बीच में उसकी कीमत है, और वो 8-10 इंजेक्शन ठोक देंगे एक साथ, कभी कभी 15 तक ठोक देते हैं इस तरह से, तो आपका 1,00,000 रुपए तो गया, 1.5 लाख तो गया, और यहां सिर्फ 10 रुपए की मेडिसिन में आप उसकी जान बचा सकते हैं। इंजेक्शन जितना इफेक्टिव है, मैं इस दवा की गारंटी देता हूं 100 टाइम्स ये मेडिसिन उससे ज्यादा इफेक्टिव है इंजेक्शन की तुलना में, एंटी वेनम इंजेक्शन की तुलना। तो ये जानकारी आप हमेशा याद रखिए अपने जीवन में, पता नहीं कब काम आ जाए, हो सकता है आपके ही जीवन में काम आ जाए, हो सकता है आपके फैमिली के किसी के या पड़ोसी के किसी के ये मालूम रहे आपके पास कि ये मेडिसिन नाजा है, अवेलेबल है। होम्योपैथी की किसी भी दुकान पे आसानी से मिल सकती है, आप जाके खुद खरीद के इसको घर में रख सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में ले लीजिएगा। जब भी किसी को सांप ने काटा है इसकी एक एक ड्रॉप 10 मिनट के अंतर पर 3 बार जीभ पे डाल दीजिएगा, बस इतना सा ट्रीटमेंट। तो सांप के काटने का इलाज आप इससे कर सकते हैं, अपना भी दूसरों का भी। अब इसी तरह की और एक जानकारी, सांप जैसा ही कई बार लोगों को बिच्छू काट लेता है, स्कॉर्पियो, और जब दर्द होता है ना तो वो आदमी बताता है कि क्या तकलीफ है उसको, दूसरा जान नहीं सकता उसकी पेन कितनी होती है, भयंकर पेन होता है, बिच्छू ने काट लिया। अब बिच्छू काट लेगा तो क्या करें, तो ऐसी ही एक और मेडिसिन है, उसका नाम आप लिख के रखिए, उस मेडिसिन का नाम है सिलिशिया, SILICEA, SILICEA, सिलिशिया, उसके आगे पोटेंसी उसकी लिखना 200, और ये भी लिक्विड फॉर्म में रखनी है 5 ml घर में, और इस दवा को भी वैसे यूज करना है, एक एक ड्रॉप टंग पे 10 मिनट में 3 बार। अब बिच्छू काटता है तो क्या होता है, बिच्छू काटता है तो उसका जो डंक है ना वो उसको अंदर छोड़ देता है, वो डंक है वो पेन करता है। बिच्छू काटे और डंक को बाहर निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काट के वो जो छोड़ देता है अंदर, उसमें सारी तकलीफ आ जाती है। अब बिच्छू ने काटा तो बिच्छू क्या करता है, उसका जो डंक होता है ना उसे अंदर छोड़ देता है, काटना उसका तकलीफ दे नहीं है, वो जो डंक छोड़ दिया वो तकलीफ का कारण है। फिर वहां सूझन आती है, फिर दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि आप सहन नहीं कर पाते कई बार, तो उस स्थिति में एक दवा है, उसका नाम है सिलिशिया, SILICEA,
SILICEA सिलिशिया, ये दवा क्या करती है जी, दर्द जो छोड़ा है वो जब तक निकलेगा नहीं, दर्द फिटेगा नहीं, तो ये दवा यही काम करती है कि बिच्छू का डंक जो अंदर कितना भी घुसा हुआ हो उसको दवा देने के 5-7 मिनट में आप देखेंगे डंक अपने आप बाहर आए और उसको हाथ से उठा के आप फेंक। इतनी पावरफुल मेडिसिन सिलिशिया, इसके भी आगे लिखना है 200 सिलिशिया 200। देने का तरीका वही है, एक एक खून जीप पर काट लिया है अभी तुरंत को 15-20 मिनट में दे दो तीन बार, 10 मिनट से 15 मिनट में, और ज्यादा पुराना हो गया है तो सुबह दोपहर शाम। ये बहुत अद्भुत दवा है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये दवा बनती है बालू से, बालू होती है बालू मिट्टी रेत, नदी के नीचे से जो बालू निकलती है ना ये दवा वही है, और इसी दवा से सारे सिलिकॉन चिप्स बनते हैं। सिलिकॉन चिप्स जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं अब तो सब बहुत सारी चीजों, तो जिस बालू से सिलिकॉन चिप बनते हैं उसी से ये दवा होती है, और बिच्छू के काटने में सबसे ज्यादा प्रभावी अंदर से ये निकाल देती है डंक को। और मैं बता देता हूँ कि बहुत बार माताएं मैंने सुई से कुछ सिल रही है या मशीन चला रही है और सुई घुस गई और टूट गई है, उस समय भी यही दवा काम करती है। सिल के समय सुई घुस गई और टूट गई अब अंदर पड़ी हुई है, उस समय भी यही दवा काम करती है। और आप सड़क पे चल रहे हैं कांटा लग गया और कांटा अंदर घुस गया तो भी यही दवा, कांटा लग गया अंदर घुस गया तो भी यही दवा काम आएगी। कांटे को बाहर निकाल देती है, सुई को बाहर निकाल देती है और ये बिच्छू के कंठ को सबसे तेजी से बाहर निकालती है, और उसके बाद दूसरी कोई दवा लेनी नहीं पड़ेगी। जैसे हम कई बार करते हैं ना, सुई चुभ गई तो हमें लगेगा कि सेप्टिसीमिया हो सकता है, तो हम चाहेंगे एंटी टिटनेस इंजेक्शन और पता नहीं क्या क्या, टिटनेस का कुछ जरूरत नहीं है, सिलिशिया एंटी टिटनेस है एंटी सेप्टिक। अरे नहीं भैया, बार बार कह रहा हूँ जीभ पे लेनी है जी, काट चुक गया अगर अंदर फंस गया उसके लिए भी। देखो जो भी अनवांटेड थिंग जो आपके आवश्यक नहीं है अंदर घुसी हुई है सबके लिए है। और बता देता हूँ क्या क्या काम है, ये चमत्कारी दवा है। किसी को गोली लग गई, बंदूक की गोली, रिवॉल्वर की गोली, पिस्टल की गोली और अंदर फंसी हुई है और डॉक्टर बेचारा थक गया, ऑपरेशन कर रहा है, निकल ही नहीं रही है, जगह ऐसी है जहां निकाल भी नहीं सकता, उस समय भी यही दवा दे देना, गोली अपने आप बाहर आए, कोई भी गोली, कोई भी गोली लग गई हो, बंदूक की हो, रिवॉल्वर की हो, पिस्टल की हो, राइफल की हो, अंदर फंसी हुई हो, निकल गई तब तो ये दवा कुछ काम की नहीं, गोली फंसी हुई है अंदर, छर्रे फंसे हुए, छर्रे होते हैं ना वो कट्टे वाले छर्रे, कट्टा एक शब्द है आप सब समझते हैं, कट्टा बिहार के लोग समझते हैं, कट्टा उत्तर प्रदेश वाले, मैंने रिवॉल्वर का देशी रूप है कट्टा, उसमें छर्रे फंस गए, दो तीन 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 पर याद है, तो गोली अंदर फंस गई है उसके लिए भी यही दवा था। पावर उतनी 200, हाँ मधुमक्खी का डंक है तो भी यही काम है, मधुमक्खी ने काटा उसका डंक फंसा तो भी यही दवा है, बिच्छू ने काटा उसका डंक फंसा तो भी ये दवा है, सुई टूट के घुसी है अंदर तो भी ये दवा है, कांटा अंदर चुप गया है तो भी यही दवा है, हर चीज जो बाहर से अंदर गई है और काम की नहीं है शरीर के उन सबको निकालने वाली ये दवा है, कोई एक्सपायरी नहीं, कोई एक्सपायरी नहीं जी, लेकिन अगर अंदर फंसा हुआ हो तो, नहीं फंसा हुआ है तो दूसरी दवा है, फिर वो मैं बताने जा रहा हूं। तो अंदर कुछ लग गया, लोहा लग गया, सुई लग गई, कांटा चुभ गया, डंक लग गया, गोली लग गई, बम मारा किसी ने आपको कल्पना करो और बम के छर्रे अंदर घुसे हुए तो भी ये, और एक काम में ये दवा है, इसको तो आप जरूर अंदर लाइन करके लिखना, क्योंकि ऐसा किसी को बहुत कब्जियत हो जाती है, बहुत कब्जियत हो जाती है,
6 दिन 7 दिन 10 दिन से सरकार से नहीं हो रही है, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, और वो बेचारा हर बार टॉयलेट जाता है और बाहर आ जाता है, स्त्री हो या पुरुष या बच्चा भी अंदर जा रहा है कि मुझे संडास आने वाली है, सेफ्टी आने वाली है, लेकिन बाहर आ गया, आ ही नहीं। ऐसी कंडीशन में इसी दवा को लेके खून जीभ पे डाल देना, 10-10 दिन पुरानी संडास को खल खल बिल्कुल निकाल देना, 20 मिनट नहीं लगता, एकदम पानी होके सारी फैक्ट्री निकल जाए। और बताएं ये किस कंडीशन में होता है, कैंसर पेशेंट को अक्सर ये होता है, कॉन्स्टिपेशन इतना हो जाएगा कैंसर की कंडीशन में, क्योंकि जो दवा दी जाती है ना कैंसर के लिए वो कॉन्स्टिपेशन लाती है, तो अक्सर उनकी टट्टी रुक जाती है, बड़ी यहां से एकदम बंद हो जाती है, उस स्थिति में भी यही दवा काम आती है। सिलिशिया मात्रा हो 200 खून जीत कर, बस तीन बार से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। है जी, कोई रिएक्शन होगा तो मैं खुद बताऊंगा। हाँ, तो भी यही दवा निकाल देंगे। कोई भी अनवॉन्टेड चीज है जो आपके शरीर के काम की नहीं है और फंसी है कहीं भी, बच्चों ने सिक्का निकल लिया, छोटे छोटे सिक्के होते हैं ना, कई बार बेकार तो वो चलते नहीं सिक्के, लेकिन बहुत पहले होता था, पत्थर का टुकड़ा ही निकल लिया उन्होंने, अब उनको तो कुछ पता नहीं, वो तो खेल रहे हैं मस्ती में, कान में डाल लिया पत्थर का टुकड़ा, अब आप परेशान है, डॉक्टर सिलिशिया की 3 खुराक दीजिए वो अपने आप ही टिकेगा, कान में पत्थर डाल लिया। कई बार बच्चे कान में गेहूं का दाना डाल लेते हैं, कान में बाजरी डाल ली उन्होंने, मक्की डाल ली, क्योंकि वो तो ऐसे ही है भाई, भोले भाले सीधे साधे, उनको मालूम नहीं किया तकलीफ करे, तो ऐसी कोई भी चीज शरीर में गई जो अनवॉन्टेड है, जो जरूरत नहीं है आपको, बस उन सब को बाहर निकालने को एक ही दवा आपके लिए, वैसे तो 100 दवाएं हैं लेकिन मैंने एक बताई ताकि कंफ्यूजन ना हो, आप इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे चले और एक दो ऐसी दवाएं बता दूं आपको, बिच्छू सांप और ये क्या कहते हैं, रेड बने चूहा और क्या बताया था, बिल्ली, बिच्छू सांप चूहा बिल्ली वगैरह वगैरह, इनको तो अब कर दिया। थोड़ा अभी आपने एक सवाल पूछा, जंग लगे लोहे से चोट लग गई है तो आप जाएंगे एंटी टिटनेस इंजेक्शन लेने, मत लीजिए बहुत महंगे हैं और कई बार तकलीफ भी हो, तो इसके लिए एक दवा बता देता हूं, जंग लगे लोहे से कभी भी चोट लगे तो उसके लिए दवा है हाई पैरिकम, HYPERICUM, हाई पैरिकम, HYPERICUM, HYPERICUM, आगे वो लिखना है दोस्तों, हाई पैरिकम। अब आपको लग गई चोट ऐसे जो जंग पर रंग लोहा है, खून निकला है, नहीं निकला है, इससे कोई मतलब है, यही दवा की 3 खुराक है, नहीं वो एक्सीडेंट की बात नहीं चल रही, बिल्कुल नहीं, आपके साथ बात हो रही है लोहे से कटे हुए की या लोहे के चुड़े हुए, और वो भी ऐसा लोहा जो जंग लगा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो जंग लगा लेकिन लोहे से ही कटा है तो भी ये दवा काम है, तो भी ये दवा काम है, सेम सेम वन ड्रॉप, अगर तत्काल लगा है ताजा है तो 12 घंटे में, लंबी दूरी हो गई है देर में पता चला तो 16 रुपये था, देना चाहिए लोग, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं, तो आपको कोई भी इंजेक्शन देना नहीं पड़ेगा, टिटनेस एंटीटिटनेस सेप्टिसीमिया कोई भी इंजेक्शन आपको नहीं देगा। आधा घंटे वो जहर वाले संवेदनशील केस थे जिनमें मरना हर क्षण पड़ता है, इसमें इतने संवेदन, इसमें इतने संवेदनशीलता नहीं है, लोहे से कटा है, लोहे से चोट नहीं है वगैरह वगैरह, उनको भी दे दो, कई बार टिटनेस इंजेक्शन नकली होता है, इंजेक्शन लेने के बाद पांव कटते हैं लोगों से, ऐसी स्थिति मैंने देखी,
इस दवा का एक बार याद रखना है आपको, सिलिशिया मैंने बोल दिया है, वैसे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि टट्टी फंस गई हो किसी भी कारण से, कॉन्स्टिपेशन बहुत हो गया, रिलीज नहीं हो रहा था करिए। मैं अभी अभी का एक किस्सा सुनाता हूँ। दो तीन दिन पहले मेरे पास एक फोन आया, हमारे एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, औरंगाबाद में रहते हैं, बिहार में, उनका एक छोटा बच्चा है, उसको यही कंडीशन हो गई, बड़ी आंख उसकी ट्विस्ट हो अब टट्टी नहीं उतर रही, चार दिन हो गया। वो औरंगाबाद के सब डॉक्टरों के पास ले जा चुके थे, फिर मुझे फोन किया, डॉक्टर कहते हैं अब तो बड़ी आंख काट के निकालनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना, पेट काटना, छह सात आठ साल का बच्चा। मैंने उनको कहा आप ले आओ पहले तो घर, डॉक्टर के चंगुल से उसको छोड़ा लो, तो डॉक्टर छोड़ नहीं रहा है, पकड़ के बैठा है, ऑपरेशन कर नहीं है। ऐसे डॉक्टर हैं आजकल आप देखो, माता पिता पेशेंट के कह रहे हैं जी हमको ले जाना है, कैसे ले जाओ, ऐसा लगता है जैसे हॉस्पिटल नहीं वो जेल हो गए, कैसे ले जाओगे, नहीं ले जाने थे। तो फिर उन्होंने झगड़ा किया, किसी तरह अपने बच्चों को छुड़ा के लाए, और डॉक्टर ने डराने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया कि ये मरने वाला है। अब माता पिता बेचारे सीधे साधे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं मरेगा, घर ले आओ, तो ले आए। मैंने कहा ये सिलिशिया दवा है, खरीद लो, मिल गई, लाके मैंने कहा जीप पे डालो, तो डाल दी, दो ही बार डाली थी, तब तक फोन आ गया कि राजू भाई सब कट्टे निकल गए, पेंट में ही निकल गए, अभी एकदम ओके है, नॉर्मल है, दो ही मूड है। ऐसे बीसीओ केस होते हैं जब बहुत पीलिया हो जाता है ना जॉन्डिस, तब भी यही समस्या आती है, कॉन्स्टिपेशन जबरदस्त हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन का कितने भी क्रिटिकल केसेस हों, इस दवा ने सभी सॉल्व किए, और ये दवा आर्मी में बहुत यूज होती है, वो क्योंकि सैनिक जो लड़ते हैं ना सीमा पर, गोलियां अक्सर लगती रहती हैं और फंस जाती है, बहुत इस्तेमाल होती है आर्मी हॉस्पिटल्स में, वो ऑपरेशन टेबल पर पहले लिटाएंगे, पहले ये दवा देंगे, तो गोली निकल के अपने आप ऊपर आ जाएगी, फिर उसको उठा के डालेंगे। इस दवा ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, साइड इफेक्ट कोई नहीं है इसका, क्योंकि ये बनती है बालू से, बालू माने नदी के तले पर।